सो हेलो एवरीवन, तो ये वीडियो सभी इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर एस्पिरेंट्स के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बिकॉज एयरफोर्स ने एक गुड न्यूज़ दे दी है आपको, एंड दैट इज़ कि आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे रिलीज़ हो चुका है। हो सकता है कि आपको आपकी जहाँ पे वेबसाइट पे आप सर्च करते हो नोटिफिकेशन ना दिखे अभी, बट इट इज़ दी जेन्युइन आपका नोटिफिकेशन। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें इस नोटिफिकेशन में निकल के आई और जो इस बार इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं आपके नोटिफिकेशन में पिछली बार के कंपैरिजन में, वो यहाँ पे हम देखने वाले हैं। और जो भी आपको चीज़ें जानने की सख्त ज़रूरत है वो ध्यान से सुन लीजिएगा। साथ ही साथ कोई स्पेशल डिमांड हो, जैसे कि आप लोगों के डिमांड पे इंडियन नेवी का जो कंटेंट है, बिकॉज आप लोगों का भी नेवी का एग्जाम लगा हुआ है हमारा और SSR का, तो उसके रिस्पेक्ट में चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो मैथ्स हो, या फिर वो जीके हो। जीके में तो अभी मैं उतना ज़्यादा आपको नहीं कंटेंट दे पा रहा हूँ, बट इंग्लिश में आपके PSP सर आपको रेगुलरली कंटेंट दे रहे हैं। सेम गोज विद मैथ्स में जो प्रशांत सर हैं, आपको रेगुलरली कंटेंट दे रहे हैं। और वो कंटेंट जो आप नेवी के लिए यहाँ पे करेंगे, वो सेम एयरफोर्स के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी हम एयरफोर्स के लिए तो ऑब्वियसली अलग से करेंगे ही, क्योंकि ये चैनल डेडिकेटेड ही इंडियन एयरफोर्स के एग्ज़ाम के लिए है, जो जहाँ पे 4 लाख से भी जो ज़्यादा एस्पिरेंट है वो एयरफोर्स वाले ही मोस्टली उनमें से ज़्यादा एस्पिरेंट हैं। और यहाँ पे वो हम लोग अलग से इसके लिए बैच भी कर रहे हैं अभी, विजय पथ 5.0 परमार अकेडमी एप्लीकेशन पे, जिसके रिगार्डिंग मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। लेकिन अभी हम फोकस करते हैं इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में। और एक चीज़ और, या तो आज ही या तो कल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैं लाने वाला हूँ अग्निवीर जो स्कीम है उसके रिस्पेक्ट में, जो अभी रिसेंटली अभी कैबिनेट मीटिंग हुई है उसमें, क्योंकि आपको पता है कल ओथ सेरेमनी थी, शपथ ग्रहण था, सबने शपथ ले ली है, पोर्टफोलियो अलॉट हो गए हैं। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे अभी कैबिनेट मीटिंग हुई है जिसमें कि कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन अभी निकले हैं, जिसको कि मैं आपको फर्दर वीडियोस में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि कब से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे और ये इनटेक कौन सा है। तो इनटेक तो 2025 वाला है। शुक्र है कि भाई इन्होंने 26 नहीं कर दिया, बिकॉज इससे पहले 1/2025 था और अभी ये 2/2025 है। अगर हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट्स की बात करें तो 8 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक आप इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, यानी कि काफ़ी पहले ये चीज़ आपको बता दी गई। हो सकता है कि इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ हो काफ़ी दिन बाद रिलीज़ हो, लेकिन अभी हम लोगों को ये नोटिफिकेशन मिल चुका है। और ये नोटिफिकेशन मैं आपको परमार डिफेंस का जो टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पे आपको रेगुलरली क्विजेज मिलती रहती हैं आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्विजेज, वहाँ पे भी मैं इसको डलवा दूंगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पे 8 जुलाई से 28 जुलाई के बीच में ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, और जो एग्ज़ाम होगा वो जाकर 18 अक्टूबर में होगा, यानी कि अभी भी अगर आपके पास देखें तो पूरा जून तो नहीं है, लेकिन हाँ जून में आधा तो आपके पास जून है, देन जुलाई, अगस्त, सितंबर, एक तरह से देखें 18 अक्टूबर से। तो अगर हम एक महीना यहाँ पे पूरी तरह से और ले सकते हैं, 1, 2, 3, 4 पूरे अभी 4 महीने का टाइम आपके पास बाकी है, पूरा 4 महीने का टाइम बाकी, यानी कि आप आराम से इसमें, अगर आप अभी तक आप कुछ भी नहीं कर रहे तो फिर भी आप आराम से प्रिपरेशन करके अभी से सिलेक्शन ले सकते हैं। और जिस हिसाब से अभी मैंने आपको बताया कि जो मैं आपको अग्निवीर स्कीम के बारे में बताने वाला हूँ, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी चीज़ गुड न्यूज़ आपको बताने वाला हूँ, तो आप ये मान के चलिए कि कायदे से शिद्दत के साथ प्रिपरेशन करिए, सिलेक्शन लीजिए। और एयरफोर्स में काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अभी इसके रिगार्डिंग मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कैसे कि आप सिलेक्शन ले सकते हैं इसमें। तो ये 2/2025 के लिए नोटिफिकेशन है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं कि यहाँ पे पहली बात तो ये मेल फीमेल सभी अप्लाई कर सकते हैं। 18 अक्टूबर से आप लोगों के पेपर स्टार्ट होंगे। ये पर्टिकुलर वेबसाइट है जहाँ से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं, जो कि 8 जुलाई से स्टार्ट होने वाली है, यानी रफली अभी से एक महीने बाद, ठीक है। तो भूल नहीं जाना, वो मैं आपको बता दूंगा जब भी आपका ये ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो डेट ऑफ बर्थ आपकी 3 जुलाई 2004 से 3 जनवरी 2008 के बीच में होनी चाहिए, बोथ डेट इंक्लूसिव, को मतलब है कि अगर आपका जन्मदिन इस दिन भी होता है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। कोई इसमें अब वो नहीं होना चाहिए डाउट कि सर हम हैं कि नहीं, अरे भाई डेट लिखी हुई है इसके और इसके बीच में है आप, 3 जुलाई 2004 के बाद, सॉरी 3 जुलाई 2000, वही बोल सकते 3 जुलाई 2004 से पहले जन्म होना हो, सॉरी 3 जुलाई 2004 से बाद आपका जन्म हुआ होना चाहिए और 3 जनवरी 2008 से पहले। इन केस अ कैंडिडेट क्लियर्स ऑल द स्टेजेस ऑफ द सिलेक्शन प्रोसीजर, देन द अपर एज लिमिट एज ऑन द डेट ऑफ एनरोलमेंट शुड बी, यानी डेट ऑफ एनरोलमेंट में आपकी 21 साल उम्र होनी चाहिए जब आप एनरोल होंगे वहाँ पे तब। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो साइंस सब्जेक्ट्स के लिए है, यानी कि जो आपका एक्स ग्रुप है उसके लिए 10+2 यानी 12th पास हों आप। मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश तीनों में मिला के आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, मतलब ये आपके होने चाहिए मैथ, फिजिक्स एंड इंग्लिश, ठीक है। और आपके 50% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब है सारे सब्जेक्ट, मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं ट्वेल्थ में सब 50% आपका मिला के होना चाहिए, और इंग्लिश में 50 नंबर एटलीस्ट होने चाहिए 100 में कम से कम। बाकी मैथ, फिजिक्स, आपका इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट कंपलसरी है ट्वेल्थ में। या फिर अगर आपका 3 साल का डिप्लोमा हो, कोर्स हो इंजीनियरिंग में, या फिर पास 2 ईयर्स वोकेशनल विद दी नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट, तो ये यूजुअली तो होते नहीं है, मोस्टली लोग यही प्रेफर करते हैं, यही सबका होता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो 12th पास होने चाहिए और 50%
ओवरऑल 50% इंग्लिश में होने चाहिए अगर एक्स ग्रुप यानी साइंस सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो। और अदर देन साइंस सब्जेक्ट की बात करें जिसको कि हम वाई ग्रुप प्यार से बुलाते हैं, इसमें आपके 10+2 में अगेन 50% मार्क्स एग्रीगेट कुल मिला के होने चाहिए और 50% मार्क्स आपके इंग्लिश में होने चाहिए। और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि ये सब्जेक्ट होना ही होना चाहिए, ठीक है, यानी कि इसमें बायो वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंडेटरी अगर बात करें मेडिकल स्टैंडर्ड्स की तो मेल कैंडिडेट की हाइट 152.5 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए हाइट एटलीस्ट, ठीक। और एक चीज़, अगर किसी के 49.99% नंबर बन रहा है तो उसको 50% डील नहीं किया जाएगा, वो 50% के नीचे ही डील किया जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक। ये चीज़ हो गई। अब वेट आपकी जो है वो हाइट के प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। वैसे मैंने इस पे वीडियो पहले ही काफ़ी साल पहले मैंने बनाया था इस पे वीडियो, आई थिंक 2-3 साल पहले, ठीक है। एक तो मैंने आई थिंक 6-7 पहले साल पहले वीडियो बनाया था और एक 2-3 साल पहले, जिसमें कि मैंने पूरा चार्ट बना के आपको समझाया था किस तरह से कितनी हाइट है तो कितना वेट आपका होना चाहिए। वो आप सर्च करेंगे हाइट एंड वेट एयरफोर्स परमार डिफेंस तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। चेस्ट की अगर बात करें तो मेल कैंडिडेट्स का जो है 77 सेंटीमीटर मिनिमम चेस्ट होना चाहिए, जिसमें कि एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, यानी कि 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फुलाने के बाद एटलीस्ट वो 82 पे जानी चाहिए। फीमेल के लिए आपको पता है चेस्ट का यहाँ पे कहते हैं चेस्ट वॉल शुड बी वेल प्रोपोर्शनड एंड वेल डेवलप्ड विद द मिनिमम रेंज ऑफ एक्सपेंशन, यानी कि आपका एज सच मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं कितने सेंटीमीटर होना चाहिए, बट एक्सपेंशन जो है 5 सेंटीमीटर के यहाँ पे होना चाहिए फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। विजुअल स्टैंडर्ड आप देख सकते हैं, बाकी तो हियरिंग आपके कान और डेंटल सब कुछ चेक किए जाएंगे। विजुअल एक्टिविटी यहाँ पे 6x12 ईच आई में, हर आई में 6x12 होना चाहिए, अनकरेक्टेबल टू 6x6 इन ईच आई। हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया आप जानते हैं, जो आपका जिसको हम बोलते हैं कि आपको पास का नहीं दिखता है तो हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, +2 डायप्टर तक चलेगा, और जो आपको दूर का नहीं दिखता है तो 1 डायप्टर तक इसमें चलने वाला है। कॉर्नियल सर्जरी का बाकी आप सारी चीज़ें देख सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट और जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैंने आपको यहाँ पे पहले ही बता दी है क्या। अब इसके रिगार्डिंग अगर आपको कुछ भी और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी जो लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अब मैं उनसे एक चीज़ यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, देखो आप खुद से कर रहे हैं, आप पहले से कहीं से कर चुके हैं, किसी बैच से, फिर जैसे भी आपने कोचिंग करी थी ऑफलाइन ऑनलाइन, आप चीज़ें कर सकते हैं। बाकी अगर आपको अगर बैच की नीड है, अगर आपको लगता है कि वेल एकदम हर एक सब्जेक्ट वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए मेरा, या फिर एकदम स्क्रैच से मैं एकदम बेसिक से पढ़ूँ, तो या विजयपथ 5.0 बैच में एनरोल कर सकते हो कोर्सेज सेक्शन में जाके परमार अकेडमी आप, या फिर आपसे मैं जानना चाहूँगा कॉमेंट सेक्शन में अगर आप में से कितने लोग क्रैश कोर्स चाहते हैं, तो एक छोटा सा क्रैश कोर्स भी हम यहाँ पे ले आएंगे जो कि डेडिकेटेड रहेगा 3 से 4 महीने के लिए, बिकॉज हमारा ये टारगेट रहेगा 3 महीने में हम सिलेबस को ख़त्म करें और आखिरी महीने में एक रिवीजन आपका हमारा हो जाए। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी तो आपका विजयपथ 5.0 बैच है कोर्सेज सेक्शन में, इसमें क्या है कि आपकी काफ़ी सारी क्लासेज हो चुकी हैं, ठीक है, तो आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाएंगी जो पहले क्लासेज हुई हैं। अगर आपका कुछ क्वेरी है तो मैं आपको क्वेरी नंबर दे देता हूँ, नहीं तो, और ये तो फेज 2 का बैच है जो पहले बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं, नहीं तो जल्द ही हम लोग अभी इस पे क्रैश कोर्स भी लेंगे, जिसके अनाउंसमेंट नहीं होगा तो कल तक आपका कर दिया जाएगा जैसा भी होगा, ठीक है। तो ये है आपका, मैं आपको क्वेरी नंबर दे देता हूँ, एक तो क्वेरी नंबर यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, दैट इज आपका 9235798380, ठीक है। आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं अभी, और व्हाट्सएप पर अगर आपको जाना है, बाकी क्रैश कोर्स जो आपका रिलीज होगा उसके रिगार्डिंग आपको कल तक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ऑलराइट, थैंक यू, धन्यवाद।